खबर छत्तीसगढ़ में आगू बढ़ो बात करबो जांजगीर चांपा जिला के। जांजगीर चांपा जिला के पामगढ़ ब्लॉक के सिमरिया गांव में 23 अगस्त के 33 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले रही से जिमन ल लाए बर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव गई। फिर ग्रामीण मन के द्वारा मनगढ़ंत आरोप लगात हुए स्वास्थ्य कर्मचारी मन के साथ बदसलूकी करी गई और ग्रामीण मन के व्यवहार के वजह ले स्वास्थ्य कर्मचारी मन दहशत में आगे और उमन पुलिस सुरक्षा के अब मांग कर थे। ये संबंध में पामगढ़ बीएमओ है बताई कि जब तक पुलिस सुरक्षा नहीं दिया जाही तब तक स्वास्थ्य कर्मी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर गांव नहीं जावाए। गौरतलब है कि गांव में 100 ले ज्यादा लोगन के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करे जाना है और वो जब अभी तक पेंडिंग में हवा है और ऐसी स्थिति में लगातार पॉजिटिव मरीज मन के बाढ़े की आशंका बने हुए है। घटना में एक तथ्य महत्वपूर्ण ये है कि मामला में अतका कुछ हो जाए के बावजूद गांव के कोनों के ऊपर जुर्म दर्ज नहीं करे गए है, जबकि सिमरिया की घटना के वजह ले पूरा स्वास्थ्य अमला में दहशत के माहौल है। सिमरिया गाँव के एक वीडियो सोशल मीडिया में लगातार वायरल हुआ थे जिमा ग्रामीण मन स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के जवान मल्ला दौड़ावत नजर आवत है। हंगामा करैया वाले और पुलिस के साथ बदसलूकी कर दौड़ाए वाले लोगन में कोरोना पॉजिटिव मरीज मन भी शामिल रहे हैं जिमन के वजह ले पुलिस भीड़ ला देख के भागत रहे से। लोगों को कोरोना पॉजिटिव प्राप्त हुआ था जिनमें हमको काफी मशक्कत करने के बाद उन लोगों को हम जांजगीर कोविड अस्पताल में भर्ती कर पाए थे। हमको पुलिस फोर्स की आवश्यकता पड़ गई थी। उसके बाद थोड़ा हमारी मेडिकल टीम को भय है कि अगर हम वहाँ बाकी लोगों का कॉन्टैक्ट हिस्ट्री लेकर उनका अगर हम सैंपलिंग करें तो हमको वहाँ पर खतरा हो सकता है ग्रामीण लोगों से। तो इसके मद्देनजर देखते हुए हमने एसडीएम साहब को एक पत्र लिखा है कि जिसमें हमने पुलिस फोर्स की मांग करी है ताकि उनके पुलिस फोर्स के साथ में अगर हम सैंपलिंग कर सकें जिससे हमको बाकी लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिल सके। तो कोरोना वॉरियर्स मन के ऊपर ये तरह के हमला निश्चित रूप से निंदनीय है। न्यूज 36 के माध्यम ले ये अपील है कि शासन प्रशासन की सहयोग करो, कोरोना ला हराए में मदद करो। छोटे से ब्रेक पर यहाँ रुकथन, फिर आप मन बने रहो हमारे संग। देखते रहो न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़।